दोस्तों इस समय सोशल मीडिया का जो टॉप 5 रैंकिंग है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बज गया मुनव्वर का डंका, जिसे आप ऑलरेडी पढ़ पा रहे हैं, टाइटल में मैंने लिखा है। ये बज गया मुनव्वर का डंका मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज कहीं ना कहीं जितने भी कंटेस्टेंट्स इस समय बिग बॉस के घर के अंदर हैं, उनमें से कोई भी मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग, मैं कोई भी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जैसे ईशा, अंकिता की देखो फैन फॉलोइंग बाहर है, लेकिन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं, बोलते ना कल्ट फैन फॉलोइंग जो होती है मुनव्वर की, जैसे है कि मतलब पब्लिक दीवानी है इर्द गिर्द घूमने वाली कि भाई मतलब मुनव्वर भाई, वो उस तरीके की फैन फॉलोइंग है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो मुनव्वर का डंका जो है वो हर जगह बज रहा है। टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट आई है, मतलब इन द सेंस की जैसे पोल हो गया और बाकी सभी चीज़ों में जिस तरीके से जो मतलब एक कॉम्पिटिशन टाइप जो टॉप 5 होता है ऑल अराउंड सोशल मीडिया पे, उसके बेसिस पे एक लिस्ट आउट हुई है। वो लिस्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज। आपको बता दें दोस्तों कि बहुत अलग लेवल की फैन फॉलोइंग मुनव्वर की इस समय है, और बहुत अलग लेवल की फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं वो एंजॉय कर रहे हैं, जो कि ज़रूरत भी है। बिकॉज कैसा होता है, देखिए मैं इस चीज़ पर एग्री करूंगा कि बिग बॉस तक भाई हाइप होती है, जेन्युइनली होती है। जैसे पिछले सीजन स्टैन हो गए, उसके बाद बिग बॉस OTT एलविश यादव, अभिषेक मल्हान, फिर इस सीजन मुनव्वर, अभिषेक, एक हाइप हाइप की बात होती है। अभी अगला जब बिग बॉस सीजन आएगा तो कोई दूसरा जो है वो हाइप में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर इंसान की हाइप का टाइम है ना भाई, तो उसको वो पूरा मिलना चाहिए। इस समय अगर आप देखोगे तो टॉप 5 के लिस्ट में अगर मैं आपको नाम बताऊं, सबसे नीचे जो नाम आता हुआ दिख रहा है वो है मनारा, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, उसके बाद अभिषेक कुमार, और फिर नंबर 1 पे जो नाम आ रहा है वो नाम है मुनव्वर फरूकी का। दोस्तों इस समय हर लिस्ट में हर जगह पर दो ही नाम टॉप 2 पर दिखाई दे रहे हैं, एक नाम है अभिषेक कुमार का तो दूसरा नाम है मुनव्वर फरूकी का, लेकिन सबसे पहला नाम जो है वो मुनव्वर का ही आ रहा है हर लिस्ट में। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है इस समय, जरूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।